जी जी कि जी हम बात कर रहे हैं कि संक्रमण काल चल रहा है वर्तमान में, और जो संक्रमण काल है उसमें क्या है कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो पीढ़ियां हैं, लगभग एक दो पीढ़ियों से पढ़ना लिखना शुरू किया है, और ऐसे मामलों में जो विचारों का जो द्वंद है वो चल रहा है। और चूंकि अभी नए नए, क्योंकि हाशिए का समाज है, अभी तक तो किसी चीज में कोई भागीदारीता नहीं थी, लेकिन अब हाशिए का समाज अब एक वैचारिकी आंदोलन में अब दाखिल हो रहा है, इसलिए अब उसका मतलब यह है कि उसको विचार देना है, और वो अंधाधुंध विचार दे रहा है, अच्छे भी दे रहा है बुरे भी दे रहा है। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा पैरों पे चलना सीखता है और वो खूब चलना चाहता है, वो लगातार चलना चाहता है, लेकिन उसको कहाँ जाना है उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन सिर्फ चलना चाहता है वो। और जिस दिन वो अच्छी तरीके से चलना सीख जाता है तो उसको पता रहता है कि मुझे वहां पर जाना है और इस तरीके से काम करना है। क्योंकि संक्रमण काल है, विचारों की द्वंद्वता है, लोग बाग फुले अम्बेडकरी फुले को जान रहे हैं, अम्बेडकर को जान रहे हैं, संविधान को जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो विचारों की जो परिपक्वता है, इस उम्मीद के साथ कि विचारों की परिपक्वता बढ़ेगी और वैचारिकी बढ़ेगी और इस आंदोलन को, जो आंदोलन है समानता समानता स्वतंत्रता बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में जो ये संक्रमण काल है इससे निकल के हम वैचारिकी परिपक्वता के साथ इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सक्षम होंगे। बिल्कुल।